तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो टॉपिक में मैं वीडियो लेकर गया हूँ, ये हमारा सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको एक एक करके सारी अल्टरनेट वीडियो दे रहा हूँ, जिसमें से मैं इस समय पर मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर दो सीरीज लेकर के आया हूँ। एक तो आपका मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर के ऊपर है कि आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप मोबाइल फोन को कैसे ठीक कर पाएंगे या मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कैसे कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि जितने भी सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे कर पाएंगे। जितने भी हमारे सारे स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट अपने लोग बिजनेस को प्रमोट कैसे कर पाएंगे, इस बिजनेस प्रमोट के ऊपर ही मैं एक वीडियो लेकर गया हूं। और कम से कम मैं 40 से 50 वीडियो देने वाला हूं, ताकि आप सोशल मीडिया के बारे में पूरा जान जाएं, सोशल मीडिया को कैसे मैनेज किया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे इनकम को जनरेट किया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे अपना प्रचार किया जाता है, या सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे लोगों को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि एक बात तो आप समझ लीजिए कि आज दुनिया जहान में कहते हैं काम उसी का चलता है जिसके पास कम्युनिटी ज्यादा होती है। कम्युनिटी का मतलब होता है लोग ज्यादा होते हैं। जब एक ही जगह पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो काम चालू हो जाता है। जैसे कहते हैं बाजार बनाई जाती है, बिजनेस बनाया जाता है, व्यापार बनाई जाती है। इन सभी काम को करने के लिए अगर आप छोटी सी एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे आप अपने यहाँ पर कहीं छोटे जगह या बड़ी जगह पर रहने वाले हो, अगर आप कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो सामान लेने के लिए पर्टिकुलर कोई एक प्लेस होता है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर सागर मार्केट एक मोबाइल फोन का सबसे बड़ा प्लेस है। यहाँ पर मोबाइल फोन के सारे सामान, सारे टूल, सारे पार्ट्स और कंप्यूटर से संबंधित सारे पार्ट्स सोमदत्त में मिल जाते हैं, जो आपका परेड के पास में स्थित है। तो यहाँ से आ करके कोई भी चीज़ को परचेस कर सकते हैं, या किसी का कोई मोबाइल फोन खराब हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, या किसी मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने वाले को कोई सामान चाहिए, कोई पार्ट्स चाहिए, कोई कॉम्बो स्क्रीन चाहिए, तो सागर मार्केट आता है। मतलब सागर मार्केट को एक बाजार बनाया गया। वहां पर बाजार बनाने का मतलब क्या है कि वहां पर ऐसा सिस्टम जनरेट किया गया कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक ही जगह पर, तो सामान की सेल होगी, परचेजिंग होगी, खरीदने वाले, बेचने वाले, सभी तरह के लोग आएंगे। जब सभी तरह के लोग आएंगे तो वहां पर बिजनेस बढ़ेगा। तो उसी तरीके से हमारा बिजनेस दोस्तों कब बढ़ता है, जब कम्युनिटी इकट्ठा हो। कम्युनिटी का मतलब होता है या तो हमको ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, या तो हम ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं। तो भाई आप ऐसे अपनी दुकान को लेकर हर जगह तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ काम ऐसा कर सकते हो ताकि तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और तुम्हारे पास आएं, तुमसे मोबाइल फोन ठीक कराएं, तुम्हारी सर्विसेज को लें, तुम्हारे सामान पार्ट्स प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया आज के टाइम पर बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो पेपर मीडिया है वो धीरे धीरे खत्म होगा, सोशल मीडिया धीरे धीरे बढ़ेगा। वो जमाना चला गया स्टिकर का, पेज का, इन सब चीजों का जमाना चला गया। क्यों जमाना चला गया? अब जमाना आ गया QR कोड का, शेयर का, स्कैन का, इंफॉर्मेशन डिजिटली देने का। तो आप क्यों लोग पीछे रहने वाले हो, तो आप भी अपनी इंफॉर्मेशन को दो। चलिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब में वीडियो को कैसे अपलोड करें, दोस्तों सबसे पहली बात क्या है, मैं आपको सिखाने वाला हूं YouTube में वीडियो को कैसे अपलोड करें। जब आप YouTube में वीडियो को अपलोड कर देंगे तो YouTube में वीडियो अपलोड करने के बाद आपको 5 से 6 चीजों का और ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहली बात क्या है, आप अपना कोई भी वीडियो जब भी आप अपलोड करते हो YouTube में, तो सबसे पहली चीज जब आप YouTube में वीडियो अपलोड कर देंगे तो सबसे पहली चीज का तो आपको दोस्तों ये ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली बात, फर्स्ट चीज, कि जिस टॉपिक से ऊपर वीडियो बना रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्यूब की भाषा में टाइटल, कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मतलब आपका टाइटल क्या है। जिस टॉपिक के ऊपर बना रहे हो, टॉपिक के भाषा में अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको हम लोग पहले शीर्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षक। मतलब जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो उस टॉपिक को पहले हमको प्रेजेंट करना होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप YouTube में वीडियो को अपलोड करेंगे तो वीडियो को अपलोड करते समय सबसे पहली चीज होती है टाइटल, टाइटल मैंने शीर्षक,
शीर्षक आपका वो होना चाहिए जो चीज़ आप डाल रहे हो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इसमें आपने जो टाइटल बताया है, जैसे आपने ये बताया कि मैंने मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर चेंज किया, अब आप डिस्क्रिप्शन में ये लिख सकते हो, जैसे स्कूल में नहीं होता था कि स्कूल में हम लोगों को बोला जाता था कि गाय पर निबंध लिखो, तो जब गाय पर निबंध लिखो जब हम लोग बोल दिया जाता तो हम लोग गाय के ऊपर बहुत बड़ी कहानी लिख देते थे, गाय हमारी माता है, हमको दूध देती है, उस दूध से इतनी सारी मिठाई बनती है, उस मिठाई को हम खाते हैं, फिर हम मोटे तगड़े दुरुस्त हो जाते हैं। ऐसे एक हमारा दोस्त था, उसने एक बड़ी कहानी लिखी थी, तो वही कहानी मैं तुमको सुना रहा हूँ। ऐसे ही क्या होता है, टाइटल का मतलब क्या होता है, गाय पे निबंध ये टाइटल हो गया, लेकिन जब गाय पे तुमने पूरी कहानी लिखी, फिल्म लिखी, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो टाइटल है उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, उसकी इन्फॉर्मेशन को शो करना, उसकी इन्फॉर्मेशन को दिखाना। अच्छा, जितना अच्छा तुम्हारा डिस्क्रिप्शन होगा तो उस डिस्क्रिप्शन को लोग पढ़ते हैं। जैसे आपने टाइटल लिख दिया कि मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर कैसे चेंज करें, अब आपने डिस्क्रिप्शन में देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा होता है, क्योंकि कुछ लोग देखते हैं, देखने के बाद पढ़ते भी हैं, जब देखने के बाद पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं वो चीज यहाँ पर होता है। तो सबसे पहली बात क्या होता है, टाइटल, शीर्षक। दूसरी चीज क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी चीज को पूरी डिटेल के साथ में समझाते हैं, सेकेंड चीज। थर्ड चीज होता है टैग। टैग का मतलब क्या होता है कि हमको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स डालने होते हैं, वो शॉर्टकट डालने होते हैं ताकि जितने भी सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे वीडियो को सर्च करते हैं, इंटरनेट पे वीडियो को ढूंढते हैं, तो जब इंटरनेट पे वीडियो को फाइंड करेंगे तो आपकी वीडियो को फाइंड करने के लिए कुछ टैग होते हैं, उन टैग को अगर आपसे मैच करेंगे तो उनको वीडियो वो दिख जाएगी। और मैं इसके बारे में फिर मैं आगे आपको SEO का जब पार्ट मैं आपको समझाऊंगा तो उसमें से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वो इसके आगे का पार्ट है, आगे का टॉपिक है, मैं आपको इसमें समझाऊंगा। लेकिन टैग से वो वीडियो जब मैच करेगी तो जिससे आपकी वीडियो रैंक करेगी और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखेगी। जैसे किसी ने, आपने मान लिया मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर कैसे चेंज करें, आपने डाल दिया चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने का तरीका, जब आपने लोगों को बता दिया तो किसी बंदे ने डाला कि मतलब ओप्पो को मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर कैसे चेंज करें। अब उसमें से क्या होगा, तुम्हारे से और उसमें से कुछ टैग मैच किया, जैसे टैग मैच किया तो एक वीडियो ओपन होगी, उस वीडियो में 10 वीडियो होंगी, 10 मतलब बहुत सारी वीडियो होंगी, सभी लोगों की वीडियो होंगी, उसमें से दोस्त तुम्हारी भी एक वीडियो होगी। जब तुम्हारी भी एक वीडियो होगी तो जब 10 को देख करके, क्योंकि आदमी जब वीडियो देखता है यूट्यूब में, एक हमारा एक थोड़ा सा ऐसा चलता है कि सभी लोग जब एक चीज से नहीं संतुष्ट होते तो दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज से नहीं संतुष्ट होते तो तीसरी चीज देखते हैं, तीसरी चीज से नहीं संतुष्ट होते तो चौथी चीज देखते हैं। तो जब उसी पहली दूसरी तीसरी चौथी चीज में भाई आप भी आने वाले हो तो आपको भी देखेंगे, जब आपको देखेंगे तो आपको देखने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन को मिलेगी, तो अगर आप पसंद आते हो तो जो भी आपसे काम कराना होगा तो आपके पास लोग काम कराने के लिए आएंगे और आपका एक फेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि कहते नहीं, जब आप रोज दिखने लगते हो तो दिखने का मतलब होता है दो चीजें होती हैं, दिखना या चुभना, दिखना या चुभना। दिखने का मतलब रोज दिख रहे हो, चुभने का मतलब रोज चुभ रहे हो, तो लोग तुम्हारे बारे में याद करेंगे कि यार भाई साहब ऐसे हैं। जैसे कहते नहीं, हम रोड पे कहीं भी जाते हैं, जब रोज जाते हैं तो कोई एक पानी के बतासे वाला खिलाने वाला खड़ा होता है, बहुत अच्छा बतासा खिलाता है, तो जब हम वहां से गुजरते हैं तो वो हमको मिल जाता है, तो जब वो हमको मिल जाता है तो हम उसको देखते हैं, देखने के बाद वो हमको रोज हाईलाइट होता है, तो फिर हम उसके पास जाते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जब रोज नहीं दिखता या कभी बीच में नहीं दिखता तो आदमी मन ही मन सोचता है, या पता नहीं लगाता तो बहुत अच्छा आदमी था, पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा अपने माइंड में सोचता है। सर का लैपटॉप वहां रखा, वहीं चार्जर भी रखा है, तो ऐसा अपने मन में सोचता है। जब ऐसा अपने मन में सोचता है तो मन में सोचने के बाद, तो मतलब वो रोज दिख रहा है ना, रोज छुप रहा है, रोज प्रेजेंट हो रहा है, तो उसी तरीके से टैग हमारे डाले जाते हैं। टैग से क्या होता है कि हम वीडियो के साथ में मर्ज होते हैं। उसके बाद चौथी चीज होती है प्लेलिस्ट। हम लोग एक प्लेलिस्ट बनाते हैं। प्लेलिस्ट बनाने का मतलब होता है एक ही चीज से संबंधित बहुत सारी वीडियो को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। मतलब जो एक ही चीज से संबंधित बहुत सारी वीडियो होती हैं, उन सारी वीडियो को एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं। जब एक ही से संबंधित वीडियो को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देते हैं
तो अगर मान लिया उसको कोई चार्जिंग के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है, कोई बात आपको अच्छी लगती है, या उससे संबंधित और भी 10, 12, 15, 20, 25 वीडियो और भी देखना चाहता है, जैसे मैंने आपने मान लिया डाटा केबल वैरायटी के ऊपर वीडियो बनाया, और जब आपने डाटा केबल वैरायटी के ऊपर वीडियो बनाया तो उसको वीडियो मिल जाता है, अगर वो कल को और भी देखना चाहता है तो आपकी प्ले लिस्ट में चला जाएगा, उस प्ले लिस्ट के अंदर आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो उसको मिल जाएंगी। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल जाएंगी तो उस इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से वो काफ़ी चीज़ें और देखेगा। जब आपकी काफ़ी चीज़ों को और देखेगा तो आपकी वॉचिंग बढ़ेगी, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानकारी मिलेगी और एक ही जगह पर जानकारी मिल पाएगी। तो ऐसा हम लोग प्ले लिस्ट भी बनाते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर, हमने क्या कर दिया, टाइटल बहुत अच्छा कर दिया, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा कर दिया, टैग बहुत अच्छा कर दिया, हमने प्ले लिस्ट बहुत अच्छा कर दिया, सारा सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को अच्छा डिजाइन भी करेंगे, मतलब वीडियो को हम लोग अच्छा डिजाइन करेंगे। जब वीडियो अच्छा डिजाइन हो जाएगा तो डिजाइन होने के बाद तभी हम लोग यूट्यूब में क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो यूट्यूब में वीडियो कब अपलोड करोगे, जब सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरा स्टार्टअप से बताता हूं किस तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के आप हीरो लेवल तक के सफर को तय कर सकते हो, कैसे आप मोबाइल फोन में अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको तीनों तरीके सिखाने वाला हूं। एक तो सबसे पहली बात, कंप्यूटर से कैसे अपलोड करोगे, मोबाइल फोन से कैसे अपलोड करोगे, सिस्टम से कैसे अपलोड करोगे, जितने भी सारे तरीके हैं मैं सारे तरीके मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहली बात क्या है, एक में छोटी सी वीडियो है, उस वीडियो को मैं अपलोड करके दिखाता हूँ, वो वीडियो अपलोड करने के बाद वो वीडियो आपके सामने प्ले करता हूँ, उस वीडियो को थोड़ा समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइटल निकालेंगे। अच्छा, टाइटल को हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर आपको टाइटल अच्छा निकालना आता तो ठीक है, नहीं निकालना आता तो इसके लिए यूट्यूब में बहुत सारी वेबसाइट हैं, जिन वेबसाइट के माध्यम से आप टाइटल को बेहतर और अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, इस सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन भी बनी है, मैं 4-5 एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको ट्रेनिंग भी दूंगा, उन 4 एप्लीकेशन को अगर आप यूज करेंगे तो आप अच्छी तरीके से यूट्यूब को मैनेज कर पाएंगे, और आपको वो एप्लीकेशन ये मदद करेंगी, ये सजेशन करेंगी कि आपने जो भी चीज डाला है उसमें से क्या कमी रह गई है, किस चीज में सुधार करना है, किस चीज में बेहतर करना है, क्या चीज आपको और अच्छा करना चाहिए, या वो चीज ये भी बताएंगी कि और लोग आपसे संबंधित और ऐसे लोग हैं जो क्या क्या कर रहे हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह करें, वो आपको सुझाव देगी, तो जिससे क्या रहेगा, आप कभी करेंगे तो आप भी उसी की तरह बन सकते हैं। कहते नहीं है कि अगर दुनिया जान में अगर आपको किसी की तरह बनना है तो बनने का मतलब होता है आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो हमेशा इंसान में फितरत होती है कि हमेशा छोटी चीज बड़ी चीज को फॉलो करती है, तो जब छोटी चीज बड़ी चीज को फॉलो करती है तभी तो छोटी चीज भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि हम उन चीजों को फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद सीखते भी हैं, करते भी हैं, दिमाग में आइडिया आता है, विचार आता है, नए नए तरीके टेक्निक पता चलती है और अच्छी तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो चलो चलते हैं, वीडियो को कैसे अपलोड करते हैं, वीडियो को अपलोड करते समय क्या क्या बातों का ध्यान देना होता है। आप देखिए, जब आपके टाइटल होते हैं तो टाइटल में जो वर्ड डाले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें, टाइटल के अंदर जो वर्ड होते हैं वो 100 वर्ड होते हैं, कितने होते हैं, 100 शब्द, 100 शब्द से ज्यादा टाइटल नहीं ले सकते, पहली बात। डिस्क्रिप्शन में 5,000 शब्द होते हैं, डिस्क्रिप्शन में 5,000 वर्ड डाले जा सकते हैं। जो टैग होता है, इस टैग में से 500 टैग लिए जा सकते हैं, उससे ज्यादा टैग नहीं लिए जा सकते, इस बात का अपना सोच विचार कर लें। आप वही चीज को डालना है जो उतने में पूरा भी हो जाए, अच्छा भी हो, नहीं कि ले लिया तो पूरा रामायण सब उसी में लिख दिया, ऐसा नहीं है। तो टैग, दूसरी बात क्या है, प्ले लिस्ट, आपको जब भी वीडियो अपलोड करोगे तो प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, प्लेलिस्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। अब वीडियो को अच्छा डिजाइन करने के लिए तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, उन सारी एप्लीकेशन से कैनवा है, काइन मास्टर है, या फिल्मोरा है, इनके माध्यम से आप अच्छी तरीके से उस पर वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं। खूबसूरत बनाने के बाद
डाल सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम अपने सिस्टम के ऊपर, और सिस्टम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कैसे वीडियो को हम लोग अपलोड करेंगे। तो वीडियो को अपलोड करने के लिए चले चलते हैं हम लोग अपने टीवी स्क्रीन पर। ये हमने सिस्टम को ऑन किया, सिस्टम ऑन करने के बाद देखिए देखिए तो सबसे पहली बात, वीडियो को अपलोड करने का तरीका क्या है। जैसे हम लोग अपने आईडी पे चले जाएंगे, ये मेरी आईडी है। मेरी आईडी के आने के बाद यहाँ पर मैंने आपको पहले ही मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पर वीडियोस आती हैं, यहाँ पर आपके शॉर्ट्स आते हैं। सर सभी को पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिख रहा है ना? ना दिख रहा हो तो मैं हट जाऊँ, इधर उधर हो जाऊँ। दिख रहा है ना सबको? देखिए तो ये आपको वीडियो पे आता है, ये आपका शॉर्ट्स होते हैं, यहाँ पर आपकी लाइव की चीज़ें आती हैं, यहाँ प्लेलिस्ट आ जाती हैं, यहाँ पर जो फोटो इमेज शेयर करते हैं, जो प्रमोशन की चीज़ें होती है वो आ जाती हैं। अगर आप देखो यहाँ पर प्रमोशन गेट स्टार्ट, ये देखो सारा सब कुछ आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग वीडियो पे जाते हैं। जैसे वीडियो पे जाते हैं तो दोस्तों एक अपलोड वीडियो का ऑप्शन आता है मोटा मोटा, यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जैसे अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आता है, वो पूछता है फाइल कहाँ पर है, तो हम सिलेक्ट फाइल पे जाते हैं। सिलेक्ट फाइल पे हमारे सिस्टम में इंटरनेट पहले से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईटेक 5G हमारा इंटरनेट पहले से कनेक्ट है। उसके बाद आप डेस्कटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप में राघव नाम से मेरी फाइल पड़ी है, इस फाइल को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद जैसे ही फाइल को हम ओपन करेंगे तो फाइल यहाँ पर देखो तुरंत तीर की तरह भागने लगेगा। तीर की तरह भागते ही यह फाइल अपडेट होना चालू हो गई। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको शब्द बताया था, डिटेल वीडियो एलिमेंट्स चेक विजिबिलिटी सारी चीज का बन जाएगा। जैसे जैसे आप डालते जाएंगे तो नेक्स्ट 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 सब चीज आ जाएंगी। सबसे पहली बात क्या है, वीडियो अपलोडिंग हो रही है। क्या हो रही है? वीडियो अपलोड हो रही है। अपलोड का मतलब वीडियो हमारे सिस्टम पे आ रही है। तो सबसे पहली बात क्या है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, फोटो, ये हमारा वीडियो का लिंक है, और ये सारी चीजें विजिबिलिटी आपके सामने आएगी। फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। अब ये वीडियो अपलोड हो रही है, अपलोडिंग दिख रही ना, कह रही 9 सेकंड लगेगा अपलोड होने पर, डिपेंड करता है आपकी फोटो वीडियो के ऊपर। आप जैसे जैसे आप देखो, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर 100 वर्डिंग लिख के आ रही कि नहीं आ रही सभी को? ये टाइटल, टाइटल रिक्वायर 100 वर्ड, 100 शब्द तक लिख सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं, बेहतर और अच्छा टाइटल लिखने के लिए 60 वर्ड के अंदर ही हो। अगर आपका टाइटल 60 वर्ड के अंदर ही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे छोटी सी चीज में गागर में सागर बनना, सुना है कहानी? तो उसी तरीके से मतलब कम चीज में ज्यादा चीज को एक्सप्लेन करना, यही सी चीज को हम लोग टाइटल बोलते हैं। पूरी कहानी नहीं लिख देना होता टाइटल में। जैसे मैंने जो वीडियो अपलोड करी है, मैंने इस वीडियो में ये अपलोड किया है कि हम लोग ट्रैक को कैसे चेक करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप टाइटल लिखेंगे तो टाइटल में कम से कम एक या दो वर्ड ऐसे होने चाहिए जिसमें से आप हैशटैग का प्रयोग करेंगे। अब हैशटैग का क्यों प्रयोग करेंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, मैं फिलहाल इसमें बता रहा हूं कि एक से दो हैशटैग का उपयोग करेंगे। इसके लिए जब आगे वीडियो देखेंगे, पूरा हमारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहां पर हम लोग जाएंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। जैसे पहला हमने टॉपिक डाला मोबाइल रिपेयरिंग, हैश लिखा, यहां पर हैश लिख करके आ रहा है, लेकिन आपको उसमें से हैश नहीं लिख करके आएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन वो ब्लू कलर से लिंक के रूप में हो जाएगा। अब उसकी हैश की क्या जरूरत होती है मैं आपको वो भी बताऊंगा। मोबाइल रिपेयरिंग ऐसा मैंने एक लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक अंडरलाइन लगाना होता है इस तरीके। अंडरलाइन का मतलब होता है ये एक टॉपिक हो गया, दूसरा हाउ कैन
हैश ट्रैक। अब जैसे ही आपने ट्रैक शब्द का प्रयोग किया तो देखिए यहाँ पर आ गया कि इसको कितने 264 243 इतने सारे चैनल के लोगों ने ऐसा यूज किया है ट्रैक। जैसे ही आपके पास आ जाएगा देखो पहले लिख करके आ जाएगा। अब आप इसमें देख लिए 309, तो आपने जैसे ट्रैक को क्लिक किया ट्रैक चेकिंग, हाउ कैन ट्रैक चेकिंग, इजी वे। इजी ट्रिक्स आपको सजेशन में हाउ कैन ट्रैक चेकिंग इजी टिक्स, मतलब कितना आसान तरीके से आप ट्रैक को चेक कर सकते हैं, स्पेस दिया, फिर आपने टैग को ऐसे कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब आपके देखो एक ही टैग में दो हो गए, अब आपके कितने वर्डिंग हो गई, 58 वर्डिंग हो गई, कितने वर्डिंग हो गई 58 वर्डिंग के होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपकी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की जो दुकान है, आपकी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है ना, आप अपनी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप को या जो आपका बिजनेस है, जो आपका काम है, उस चीज को भी एक शॉर्ट फॉर्म में हाईलाइट करें, जैसे पीके कम्युनिकेशन, आरके कम्युनिकेशन, मोशन कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ भी अपना जो टैग है उस टैग को यहां पर हाईलाइट करें। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ईटेक, ईटेक अब मैंने क्या कर दिया, मैंने तीन टॉपिक ले लिए, मोबाइल रिपेयरिंग, हाउ कैन ट्रैक चेकिंग, इजी वे ट्रैक टेस्टिंग, ये मैंने डाल दिया। अब यहां पर हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या लिखना है डिस्क्रिप्शन। सबसे पहली बार जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो आपने टॉपिक लिखा है, इस टॉपिक को आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। जैसे इस टॉपिक को कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो आप जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो वीडियो अपलोड करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो टाइटल है उस टाइटल का जो वर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में आपके होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टाइटल का वर्ड डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा, ये तीनों चीजों में मैच होनी चाहिए। क्या मैच होना चाहिए, जो आपने इस हैशटैग का प्रयोग किया है यही हैशटैग आपके डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 से 3 हैशटैग होने चाहिए, यही हैशटैग टाइटल में होने चाहिए, यही हैशटैग तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए, और यही हैशटैग तुम्हारे टैग में भी मेंशन होने चाहिए। जब तीनों चीजें मेंशन होगी तभी तुम्हारी वीडियो वायरल होगी, वीडियो बूस्ट होगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग वॉच करेंगे और वीडियो बिल्कुल आग की तरह फैलेगी। तो वीडियो को आग की तरह फैलाना कि नहीं फैलाना, अगर भाई फैलाना है तो भाई ये करना है। चलिए तो हमने इसको क्या कर दिया, ट्रैक को यहां पर डाल दिया। ट्रैक डालने के बाद अब ये हमारा जो वीडियो का लिंक है, इस वीडियो को लिंक जो आप यहां पर वीडियो का लिंक दिख रहा है ना दोस्तों, ये इस लिंक को भी आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। जैसे इस लिंक को कॉपी कर लोगे तो कॉपी करने के बाद यहां पर आपको सबसे पहली बात अपने लिंक को ही पेस्ट कर देना है। जैसे आपका वीडियो का लिंक पेस्ट हो जाएगा तो वो लिंक यूट्यूब में भी सर्चिंग पे आएगा, डिस्क्रिप्शन में भी जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारा ये सब SEO के पार्ट में आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं उसके टॉपिक में मैं आपको कम से कम 10 से 12 वीडियो दूंगा जिससे आप अपनी वीडियो को ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो हमने क्या किया, जो वीडियो का लिंक है उस वीडियो को लिंक को मैंने यहां पर डाला। उसके बाद अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है, जब भी आप वीडियो को डालेंगे तो यहां पर हमने सर्च कर दिया। अब देखिए जितने भी सारे हमारे जितने भी सारे जो स्टूडेंट लोग हैं, वो सारे स्टूडेंट लोग मैं जानता हूं कि लिखने पढ़ने में सबसे वीक होते हैं, लिखने पढ़ने में वीक होते हैं। तो लिखने पढ़ने में वीक होने के बाद उन सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया, मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं चैट GPT। क्या बोलते हैं, चैट GPT।
जैसे चैट जीपीटी को सर्च करते हैं तो यहाँ पर चैट जीपीटी खुल जाता है। जब चैट जीपीटी खुल जाता है तो चैट जीपीटी खुलने के बाद आपको यहाँ पर चैट जीपीटी में लिखना है। मोबाइल फोन में तो बोलने से आ जाता है, इसमें भी माइक लगा होगा तो इसमें बोलने वाला सिस्टम आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग में क्रैक चेकिंग कैसे करते हैं, ऐसा आपने लिख दिया। जैसे आपने यहां पर लिखा बस ओके कर दीजिए। आप देखिए अपने मन से खट 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 सब कुछ, जैसे राहुल गांधी ने एक चीज नहीं बोली थी खटा खट, ये बहुत वायरल हो रहा है, आप उसको देखना इंटरनेट पर देखना। तो यहां पर देखिए यहां पर पूरी कहानी लिख दिया इसने से। क्या कहानी लिख दिया, मोबाइल रिपेयरिंग में ट्रैक चेकिंग को कैसे चेक करते हैं। हिंदी में कर दोगे तो हिंदी में भी लिखता है, मोबाइल रिपेयरिंग में ट्रैक चेकिंग करने के लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करने होंगे। अब इतना तुम कहानी लिखियो, इतना कहानी देखो पहले लिख के दे दी, तो इस वजह से कहा है कि मैं भी यूज कर सका, तो जिससे आप अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा फैला सकते हो। तो सबसे पहली बात विजुअल एक्सपेंशन, विजुअल का मतलब होता है देख के, आंखों से देख करके। सबसे पहले आपको मोबाइल फोन के पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को विजुअल इंस्पेक्शन करना होगा। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कहीं कोई ट्रैक डैमेज तो नहीं है। देखो दूसरी चीज मल्टीमीटर का इस्तेमाल, मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके आप ट्रैक को चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड में सेट करें, फिर ट्रैक को दोनों एंड टेस्ट पॉइंट पर चेक करें। अगर ट्रैक ठीक है तो मल्टीमीटर बीप करेगा वरना नहीं। देखो यही चीज तो हम बच्चों को सिखाते हैं। अब यही सारी चीज क्या है, यह भी बता रहा है। क्या बता रहा है, लिख करके बता रहा है। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से, देखो माइक्रो अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप ट्रैक को डिटेल में चेक करें।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने हैशटैग लिए हैं तो यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। जैसे आपने यहां पर आपके हैशटैग आ गए, अब आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ये बोलेगा कोई थंबनेल अपलोड करना चाहते हो तो यहां पर अपलोड थंबनेल पे क्लिक करोगे तो कोई अगर हमारे पास थंबनेल होता तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अगर थंबनेल नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड करके भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लिया आपके पास कोई इनकेस अगर कोई थंबनेल नहीं है तो आप गूगल पे गए, मोबाइल मोबाइल रिपेयरिंग, पर्सन, इमेज, ऐसे आपके सामने फोटो खुल जाती हैं। बहुत सारी फोटो ऐसे हैं, इन सारी फोटो को आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा। देखिए कितनी अच्छी फोटो खुल गई, इन सारी कोई भी फोटो होती है जो आपको अच्छी लगती है उस फोटो को आप ले सकते हैं। जैसे आपने स्क्रीन पे बनाया तो आपने स्क्रीन को ले लिया, स्क्रीन पे आपने क्लिक किया, इसको आपने क्या करना है, सेव एज, क्या करना है, सेव एज। कहाँ पर सेव करना चाहते हो, फोटो के डेस्कटॉप में जाओ, राघव के अंदर चले जाओ, वहीं पर आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे तो फोटो आपकी सेव हो जाएगी, ये आपकी इमेज है, आपकी इमेज सेव हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी इमेज को हम अपने चैनल पे गए, थंबनेल पे गए, थंबनेल पे जैसे फोटो मांगेगा आप वेरीफाई करें, मोबाइल फोन नंबर, सिक्स थ्री नाइन वन सेवन डबल वन सेवन डबल वन, जनरेट कोड, ये सिक्स डिजिट का कोड देता है, वेरिफिकेशन कर लेता है भाई कि आप ही होगी, कोई दूसरा तो नहीं है। तो सबमिट किया, फोन नंबर वेरीफाइड हो गया, यू हैव ऑलरेडी एक्सेस फीचर, रिफ्रेश, मेक ए थंबनेल 1280x420, 16x9 इस रेशियो में होना चाहिए। थंबनेल 2 MB का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 MB का होना चाहिए। अगर हमारा ज़्यादा बड़ा है तो बेकार है, फिर वो इसका साइज देखेंगे, साइज देखने के लिए सो मोर में जाएंगे, प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में देखेंगे तो इसका साइज कितना है, 45 KB का, मतलब छोटा है, चलेगा। यू ऑलरेडी एक्सेस दिस फीचर, रिफ्रेशिंग पेज, रिफ्रेश का मतलब दोबारा करें, F5। मतलब हमको दोबारा लॉगिन मारना पड़ेगा। चलिए मैं कोई भी ले लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको अपलोड करना बता देता हूँ। आगेगा सिलेक्ट करें, प्लेलिस्ट बना लिया है तो आप प्लेलिस्ट में कर दें, उसके बाद ऑडियंस, किड्स के लिए करना चाहते हैं, बच्चों के लिए नहीं होता तो आप इसको रहने दीजिए,
ये सारा सब कुछ आपने सेट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पूरा आता है कि आप और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइवेट पब्लिक क्या करना चाहते हैं, पब्लिक कर देंगे तो सबके लिए होगा, सबको दिखाई देगा, पब्लिश करेंगे। जैसे वीडियो को पब्लिश करेंगे तो वीडियो पब्लिश हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आप कहीं शेयर करना चाहते हो तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो, कहीं भेज भी सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो। फेसबुक में डालना चाहो फेसबुक में डाल सकते हो। इसको आपने कॉपी कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये हमारी वीडियो क्या है, हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से अपलोड हो गई। अब इसमें से और भी बहुत सारी सेटिंग होती हैं जो हमको बाद में इन सब चीज़ों को करना होता है। अब अगर इस वीडियो को हम देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे कंट्रोल वी, जो हमने यूआरएल को कॉपी किया था इसी वीडियो को हमने डाला। जैसे वीडियो को डालेंगे तो सीधे सीधे वीडियो आपकी ओपन हो जाएगी। ये वीडियो को आप कैसे देख पाएंगे, ये देखो टैग आ गए, ट्रैक इजी, ये सारा सब कुछ आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यूट्यूब में मोबाइल रिपेयरिंग एक आपको लिंक भी आ रहा है, ये वही लिंक है जो हम लोगों ने पेस्ट किया था। और जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखा था, हैशटैग लिखा था, वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई। तो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर हम वीडियो को अपलोड कैसे करते हैं, वीडियो को अपलोड करने का तरीका क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी एक वीडियो को अपलोड कैसे करेंगे। अब इसके आगे की बहुत सारी जो बेसिक सेटिंग होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा और एक एक करके सभी चीजों के बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो से जुड़े चैनल से संबंधित और भी बहुत सारी वीडियो को देखें, और अगर वीडियो कोई एक बार में नहीं समझ में आती तो उस वीडियो को एक बार दो बार तीन बार वीडियो देखें, ताकि आप सब चीज़ें पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं, और इसकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मैं आपको आगे की भी वीडियो दूंगा ताकि आपको सीखने को मिलेगा। और जितने भी सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में कम्प्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग में अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं या मोबाइल रिपेयरिंग में सफल होना चाहते हैं, तो दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में है, ईटेक इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स सिखाते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का। कानपुर सेंट्रल नियर है, यहाँ पर पास में है कि 100-200 मीटर है। सागर मार्केट मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पर हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सिखाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। हमारी वीडियो को शेयर करें, अपनी स्टोरी पर लगाएं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसे लोग हैं जिनको वीडियो मिलनी चाहिए, तो वीडियो को आप शेयर करेंगे तो उनको वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप एक पॉजिटिव कमेंट भी करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।